रतलाम जिले के आलोट में भोजा खेड़ी सोसाइटी का मामला है। मध्य प्रदेश सरकार जहां किसानों के लिए गेहूं खरीदी का काम कर रही है, तो किसानों को कई तरीके की सौगात दे रही है। किसानों का हर एक दाना तुला जाएगा, सरकार ऐसे वादे भी कर रही है। जगह जगह सोसाइटी और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाकर उपज की खरीदारी की जा रही है, लेकिन आलोट तहसील के गांव भोजाखेड़ी में सोसाइटी में जहां श्रीनाथ वेयर हाउस भोजाखेड़ी सोसाइटी के सेक्रेटरी देवी सिंह चौहान के द्वारा किसानों से अनाज तुलाई के अवज में पैसे लिए जा रहे हैं, जिनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो वहीं भ्रष्टाचार की पोल खुलती तस्वीरें अब आपके सामने है। सोसाइटी सेक्रेटरी इसमें नजर आ रहा है, तो किसानों से सीधी लूट भी कर रहा है। वहीं इस संबंध में अब प्रशासनिक अधिकारी क्या रुख अख्तियार करते हैं, देखना बाकी जरूर बना रहेगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देवी सिंह चौहान। कौन से सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं आप? भोजाखेड़ी। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सर, एक काश्तकार का जो माल था वो नए क्यों था, और उसके चाइने लगाने में हिम्माल और काश्तकार के बीच में लड़ाई हुई, और उनका जो भी पैसा फैसला कराया कास्ट मतलब चाइना लगाना की मजदूरी हिमालयों ने ली पैसे नहीं, पैसे लेते हैं तो आपके हाथ में वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में तो हमने तो उनका बीच में फैसला करवाया नहीं। फैसला करवाया तो अकेले क्यों थे आप? नहीं अकेले मतलब वो तो गेट पे सही खड़े थे। नहीं पर आपके द्वारा एक आवाज़ भी आ रही है, आपकी मांग की जा रही है कि इतने पैसे दो, तो वो तो पैसे देगा, चाइना लगाने की मजदूरी तो लेगा हिमालय। तो आप कह रहे हो इतनी बोरी है, इतना पैसा देना है, क्या मामला? तो वो तो जैसे मान लो तीन ट्राली है उसकी, तो मतलब 300 रुपये के हिसाब से लेगा। कौन से वेयर हाउस का मामला है? श्रीनाथ फैसिलिटी हाउस।